कुछ समय पहले की बात है, जब हम कानपुर में पढ़ते थे। कैंटीन में चाय पर एक मित्र सौरभ बेनीवाल के साथ चर्चा चल रही थी। मैं चाय नहीं पीता था, इसलिए मेरे पास खस का शरबत था। खस एक बेहतरीन फल है जो कि गर्मियों में ही फलता है और तेज गर्मी में स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। हम दोनों के गिलास 100-100 मिलीलीटर के थे। चाय और शरबत से दोनों के गिलास बिल्कुल बराबर 90 मिलीलीटर भरे हुए थे। अब हमने अपनी दोस्ती और बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना मैं सौरभ की चाय में शरबत मिला दूं और वो मेरे शरबत में चाय। लिहाजा मैंने सौरभ के चाय के गिलास की बची हुई जगह को शरबत से पूरा भर दिया। सौरभ ने इस घोल को चम्मच से खूब हिलाया और फिर उसने वो घोल मेरे गिलास में डाल दिया और ऐसा करने के बाद हमारे गिलास फिर से 90 मिलीलीटर भरे हुए थे। अब दोनों के गिलासों में कुछ चाय और कुछ शरबत था। अब सवाल ये उठता है कि मेरे गिलास में चाय ज्यादा थी या सौरभ के गिलास में शरबत, और यही सिलसिला हम दो बार करते तो क्या होता, मेरे गिलास में चाय ज्यादा होती या सौरभ के गिलास में शरबत। और ये भी सवाल है कि इस प्रयास से हमारी दोस्ती बढ़ी कि नहीं। तो उसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। सौरभ मेरा प्रिय मित्र है और अब सिंगापुर में एक बड़े बैंक में नौकरी करता है और खुश है।